अवगत हैं, शर्मा माफ कीजिएगा, कि श्री राम जन्मभूमि के संबंध में माननीय न्यायालय का जब निर्णय आया, यही भगवादारी, यही भगवा पहने हुए जिनको आप वो हिंदू धर्म का परिचायक बताते हैं, उन्होंने क्या किया कि किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकलेगा, किसी प्रकार का कोई जश्न नहीं बनेगा, इस पर प्रतिबंध लगाया, कड़ाई के साथ लगाया। यह निष्पक्षता है उत्तर प्रदेश सरकार की, ये प्रतिबद्धता है अपने शासन व्यवस्था को कायम करने की, और इसके बजाय आज उन पर आरोपित करना, ये सरकार का काम है कि कानून व्यवस्था को कायम करे। अगर कोई राज्य की संपत्ति को जला रहा होगा, अगर कोई बसों को जला रहा है, अगर कोई प्रतिबंधित बोर के तमंचे से खुलेआम गोलियां चला रहा है, तमाम लोगों के बारे में, तमाम जो तमंचे मिले हैं, तमाम खुले हुए कारतूस जो सैकड़ों की संख्या में प्रतिबंधित बोर के मिले हैं, कहां से आ गए? शांत पूर्वक जो भी प्रदर्शन करता है सरकार उसके खिलाफ नहीं है। सरकार का स्पष्ट अभिमत है एक भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई उपद्रवी है, राज्य की संपत्ति को नुकसान में पहुंचाया है, तो राज्य की संपत्ति में नुकसान को पहुंचाने वाले की संपत्ति से वसूली हो। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा माननीय न्यायालय के समय समय पर अभिमत भी यही आए हैं कि राज्य की संपत्ति को जलाने वाले प्राइवेट संपत्ति को जलाने वालों से वसूली के क्या नियम हो सकते हैं, इसका उल्लेख समय समय पर कोर्ट ने किया है। वर्तमान सरकार अगर न्यायालय के आदेशों के परिपेक्ष में कार्य कर रही है तो आप उसको कटघरे में खड़ा करेंगे, आप उसको भगवा धारण कहेंगे। आपने तमाम धर्मों का उल्लेख किया होगा, लेकिन हमेशा से एक ही बात कहना, एक ही धर्म को मानने वालों को कटघरे में खड़े करना, एक ही धर्म को मानने वालों को गलत गलत शब्दों के बयान में अलंकरण करना, ये मैं समझता हूं कांग्रेस के परिवार की परिपाटी बन गया है। और वो हर पीढ़ी के लोग, क्योंकि घर का वातावरण में शायद हिंदू धर्म के बारे में नहीं सिखाया गया होगा, नहीं तो इस प्रकार की बात आज भगवा पहनने वाले एक सन्यासी के बारे में नहीं कहते। मुख्यमंत्री जी कानून के पालक हैं, उनका नैतिक दायित्व है कि उत्तर प्रदेश में वो कानून व्यवस्था को कायम करें, और जो एनपीआर को लेकर नागरिक संशोधन बिल के बारे में लगातार कांग्रेस के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में अपना अभिमत दिया है कि ये किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है।